अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ रगड़ा इफ्तारी के लिए। तो सबसे पहले कुकर मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैं डायरेक्ट फ्राई करूँगी, बगैर डायरेक्ट दूंगी रगड़े को। तो मैं यहाँ सबसे पहले ले रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब तेल, रगड़े में तेल की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम तेल में ये बन जाता है। देखिए तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब जीरा। देखिए जीरा हमारा अच्छी तरह से क्रैकल हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 छोटी सी प्याज। बहुत इजी रेसिपी है ये, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती इसके लिए या ज्यादा एक्सपर्ट भी होना जरूरी नहीं है कुकिंग में। बहुत सिंपल वे में बनाया है और तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और साथ ही में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है। देखिए और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज का पोटैटो, जिसे मैंने ऐसे मोटा मोटा कट करके ले लिया है, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए थोड़ा मसाला नीचे से चिपक रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, बस थोड़ा सा, ताकि मसाला हमारा जले नहीं नीचे से। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफेद मटर, एक कप के करीब सफेद मटर है जिसे मैंने सुबह भिगो के रखा था और अब मैं इफ्तारी के लिए इसे बना रही हूँ शाम के 5 बजे। तो ये भी मैंने इसे ऐड कर दिया और अब साथ में जाएगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए, मैं यहाँ ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। इसे भी हम मिक्स करेंगे और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 ग्लास के करीब पानी। बस अब हमें कुकर को ढकना है और अच्छी तरह गलने तक हमें इसे पकाना है। एक सीटी हो जाने के बाद मैं कुकर को 15 से 20 मिनट के लिए सिम पे रखूंगी। देखिए कुकर में भी हमारे सीटी आ चुके हैं तो मैं गैस को सिम पर रखूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए आलू और मटर हमारे गल चुके हैं, इसे मैं अभी थोड़ा भिड़के की मदद से घोट कर दूंगी। तो ये देखिए हमारा रगड़ा इस तरह से पक चुका है। तो अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो गार्निश करने के लिए सबसे पहले हम इसमें इमली का पानी डाल लेते हैं। इमली और गुड़ का खट्टा मीठा पानी है ये, थोड़ी प्याज डालेंगे और साथ में कोथमीर। लीजिए तैयार है हमारा स्ट्रीट स्टाइल रगड़ा, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना, तो आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। दुआ में याद कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक अलग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।